हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीप शांतरा एंड आप देख रहे हैं ओनली फॉर डिजाइन। तो आज का वीडियो में आपको दिखाएंगे एक एडवांस फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म बोलिए या एडवांस फॉर्म, आप कैसे डेवलपमेंट करेंगे या एडवांस फॉर्म को कैसे हम डायनेमिक करेंगे। तो ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, तो चलिए मिलते हैं वीडियो पे। उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल पे व्यू बहुत कम आ रहा है, प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्लीज प्लीज शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो पे। तो देखिए, ये जो ये मेरा क्लाइंट का साइट है, ये जो एलिजिबिलिटी जो टेस्ट बोल के जो साइट है, ठीक है, एलिजिबिलिटी टेस्ट बोल के जो एक फॉर्म है, देखिए यहाँ पे व्हाट क्वालिफिकेशन आर लुकिंग फॉर लुकिंग टू अचीव। तो हम जस्ट ऐसे डामी एक सिलेक्ट करते, एक्सपीरियंस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जस्ट मेरा फील कर रहा हूं एंड टेक्स्ट टाइप टेस्ट, ओके, एंड इसको हम एक चेक करके हम सबमिट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, थैंक यू फॉर योर मैसेज, इट हैज बीन सेंड। तो सक्सेसफुली क्या हुआ, सेंड हो गया। तो देखते हैं ये मैसेज हम मेरे पास कैसे आएगा। तो मेरे पास देखिए कैसे आता है, मेरा क्लाइंट का जो ईमेल आईडी है हम ओपन कर लिया एक बार चेक करने के लिए। देखिए यहाँ पे मेरा एक क्लाइंट का इनबॉक्स है, यहाँ पे देख सकते हैं एडवांस ऑस्ट्रेलिया बोल के जो साइट है उसका ही जीमेल आईडी है, हम जीमेल उसका जो इन्फो आईडी है हम जीमेल में सेट कर दिए, इन्फो वेब मेल नहीं खोलना पड़ेगा और जीमेल में डायरेक्ट आ जाएगा मेल। तो ऐसे सेल किए तो ये आ गया मेरा मेल। हम यहाँ पे जब क्लिक किया हूं तो देखिए एट दीप शांतरा देन बिजनेस एंड फाइनेंस जो हमने सिलेक्ट किए थे, देन व्हाट क्वालिफिकेशन आर यू लुकिंग अचीव, बिजनेस एंड फाइनेंस, हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव, 1 or 2 years, वेयर इज योर एक्सपीरियंस फॉर्म ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऐसे करके सब कुछ है, मेरा ईमेल आईडी एंड फोन नंबर एंड योर टेस्ट। तो एक कंप्लीट एडवांस फॉर्म है, यहाँ पे सब कुछ है, देख सकते हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, चेक ऑन बटन है एंड फील्ड है, यहाँ पे सब कुछ है। तो आज दिखाएंगे ये फॉर्म को हम कैसे डायनेमिक करेंगे, ठीक है। ये तो ऑलरेडी डायनेमिक किया हुआ है, तो मेरे पास HTML है इसका, तो आज आपको दिखाएंगे कैसे हम इसको डायनेमिक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम काट देंगे, ये मेरा लोकल होस्ट में ये वाला चल रहा है, ये हम ओपन कर लिया सबलाइन में, देखिए एंड eligible.php, ये जो फॉर्म है यही है, ठीक है। तो हम इसको एक बार लोकल होस्ट इसको हम काट देते हैं। तो ये फॉर्म देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, वो कोई मैटर नहीं करता है, यहाँ पे जस्ट व्हाट इंडस्ट्री यू आर लुकिंग टू अचीव, थोड़ा सा इधर उधर चेंजेस हुआ है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, इसका डैशबोर्ड हम ओपन कर लेंगे, WP एडमिन ओपन करेंगे, माइक की वजह से थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्या करें। तो डैशबोर्ड हमने ओपन कर लिया, इसको साइट में हम ओपन कर लेते हैं साइट को, देन जाएंगे एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम मेरा क्या है, कॉन्टैक्ट फॉर्म को इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले। कॉन्टैक्ट फॉर्म एक प्लगइन है जो वर्डप्रेस का बहुत इजी प्लगइन एंड बहुत आसान प्लगइन है कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। इससे आप जो कोई भी कॉन्टैक्ट फॉर्म को आप डायनेमिक कर सकते हैं, कोई भी कॉन्टैक्ट फॉर्म को। तो एड प्लगइन, देन यहाँ पे सर्च करिए कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, सॉरी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7
वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कॉन्टेक्ट स्पेलिंग गलत हो गया इसलिए नहीं आ रहा था। कॉन्टेक्ट फॉर्म क्या हुआ? हाँ कॉन्टेक्ट फॉर्म से भी, तो देखिए मेरा कॉन्टेक्ट फॉर्म आ गया, तो इसको हम इंस्टॉल करेंगे। पहले हम इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद एक्टिव का ऑप्शन आएगा, हम एक्टिव करेंगे। एक्टिव तो ये मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म एक्टिव होगा। तो यहाँ पे साइड में देखिए कॉन्टैक्ट बोल के एक बार आ गया, तो इसमें हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे डिफॉल्ट एक फॉर्म रहता है, इसको हम जस्ट कुछ नहीं करेंगे, जस्ट एक डुप्लीकेट कर लेंगे। ठीक है एक डुप्लीकेट कर लिया। ओके सो इसको हम दे देंगे एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर्म, नाम दे देंगे एलिजिबिलिटी चेक, एलिजिबल चेक फॉर्म, एलिजिबिलिटी चेक फॉर्म। ओके एंड इसको सेव करेंगे। अभी क्या है यहाँ पे जो मेरा HTML है, देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी टेस्ट जो मेरा HTML है, यहाँ पे मेरा फॉर्म टैग कहाँ है? फॉर्म 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 टैग यहाँ पे नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से जो रो है, रो से लेके एकदम ये जो रो है इसको हम यहाँ से लेके एकदम यहाँ तक हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे एंड इसके अंदर हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है पेस्ट कर दिया, सेव एंड मेरे पास जो वर्डप्रेस का कोड है वहां से हम शॉर्ट कोड का मतलब कॉन्टैक्ट फॉर्म का एक शॉर्ट कोड देते हैं। शॉर्ट कोड को पेस्ट करने के लिए और एक कोड चाहिए, उसको हम कॉपी कर लेंगे। ये वाला कोड है शॉर्ट कोड, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके हम जस्ट ये जो रो जहां पे जितना तक जितना जगह हम कॉपी करके कॉन्टैक्ट प्लगइन के अंदर डाले जस्ट उसको रिप्लेस कर देंगे, उस सेक्शन को रिप्लेस कर देंगे। और यहाँ पे देखिए कोड दिया हुआ है, इस कोड को हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पर जो कोड है इस पे। ठीक है ये कोड हम रिप्लेस कर देंगे, यहाँ से रिप्लेस कर दिए एंड जस्ट हम एक बार चेक करके चला के चेक करेंगे कि मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म लिंक हुआ के नहीं। हाँ यहाँ से हम लिंक हुआ के नहीं जस्ट एक बार चेक करके देखेंगे। तो देखिए मेरा फॉर्म जैसा है ऐसे ही है, कुछ घटा नहीं है, तो मेरा क्या हुआ लिंक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है तो पहला जो इनपुट फील्ड है, व्हाट इंडस्ट्री आर यू लुकिंग, आर यू एक्सपीरियंसिंग, ओके व्हाट इंडस्ट्री आर यू एक्सपीरियंसिंग। तो इंडस्ट्री वन इंडस्ट्री टू ऐसे ही कुछ दिया हुआ है, हम ऐसा डमी रखे है, आप चाहिए तो आप खुद से चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या है सिलेक्ट मेन, इसको कहते हैं सिलेक्ट टाइप, ड्रॉप डाउन टाइप और सिलेक्ट टाइप इनपुट फील्ड। ठीक है ये एक टाइप का इनपुट फील्ड है। इनपुट फील्ड व्हाट टाइप का होता है, टेक्स्ट इनपुट फील्ड, ईमेल इनपुट फील्ड, चेक इनपुट फील्ड, रेडियो इनपुट फील्ड, बहुत सारे का इनपुट फील्ड होता है, इनपुट फील्ड होता है। तो ये है सिलेक्ट इनपुट फील्ड, सिलेक्ट टाइप और ड्रॉप डाउन टाइप जो भी बोले आप। तो इसको हम क्या करना है डायनेमिक करना है। ठीक है तो जो अभी जो करना है इसके अंदर ही करना है, ये HTML में अभी कुछ नहीं करना है, जो करना है अभी यहाँ पे ही करना है। ठीक है तो देखिए पहला मेरा इनपुट फील्ड है कहाँ, ये वाला यहाँ से सिलेक्ट, यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक। ठीक है तो हम जस्ट ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, जो एक फॉर्म ये जो देखिए क्लास है सिलेक्ट के अंदर जो क्लास है, क्लास को हम कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे देखेंगे जी, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ड्रॉप डाउन, सिलेक्ट एंड ड्रॉप डाउन सेम ही है, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिखा हुआ है तो हम इस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लास फॉर्म कंट्रोल हम दे दिया, देन ये रिक्वायर्ड फील्ड है एंड नेम क्या देंगे, नेम क्या है मेरा यहाँ पे नेम है, देखिए कौन सा फील्ड के लिए है, तो ये किसके लिए, तो ये यहाँ पे लिखा रहा है सॉरी कहाँ गया है, ये एक्सपीरियंस, तो हम इस एक्सपीरियंस को कॉपी करते हैं, तो यहाँ पे डाल देते एक्सपीरियंस
एंड यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे कैसे आपको देना है ऑप्शन को, जस्ट आपको एक एक ऑप्शन को जस्ट एक करना है, मतलब इंट एक बाई एक, मतलब एक के बाद एक के बाद एक को आपको देना है। कैसे देना है आपको दिखा रहा हूं आप, जैसे मान लीजिए पहला वाला यहाँ पे इंडस्ट्री है, सिलेक्ट इंडस्ट्री पहला है, देखिए ये एक ऑप्शन है यहाँ से यहाँ तक, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ये ऑप्शन जितना जितना तक ऑप्शन है सब एक के एक हम ऐसे इंटर करके देते रहेंगे, जेन देने ये ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री, फिर ऐसे ही जस्ट इंटर करके वन ऑप्शन टू ऑप्शन थ्री और एक दे देंगे ऑप्शन फोर, ठीक है ऐसे करके हम दे देंगे। तो अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे अलाउ मल्टीपल सिलेक्शन, तो आप क्या करेंगे एक से ज्यादा दो तीन सिलेक्ट कर सकते, तो हमको एक ही सिलेक्ट करना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे जस्ट इसको कॉपी कर लेंगे, ये नीचे लाइन को जब भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सब एक टू एक के बाद एक टू बार आ गया, तो हम इसको और सिलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे। एंड यहाँ पे जो सिलेक्ट है जितना तक सिलेक्ट जो टैब है जस्ट उसको रिप्लेस कर देंगे इससे, तो ये मेरा पहला वाला हो गया। तो हम इसको अभी सेव करते हैं एंड साइट को एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं कुछ हुआ चेंज हुआ कि नहीं, तो एक बार चेंज कर दिया, रिफ्रेश किया हूं, तो देखिए यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ, जैसा था वैसे। तो अगर हम यहाँ पे काम हो रहा है कि चेक करने के लिए हम यहाँ पे कुछ एक थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पे लिखा है व्हाट इंडस्ट्री इज योर एक्सपीरियंस इन, बाद हम एक 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 देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे इंडस्ट्री फोर्थ तक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इंडस्ट्री फोर्थ, इंडस्ट्री फोर के बाद और एक इंडस्ट्री कर देते फाइव, तो देखेंगे चेंज हुआ हो रहा है कि नहीं, तो अगर चेंज हुआ तो मतलब ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक 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 आ गया एंड यहाँ पे इंडस्ट्री फाइव भी आ गया, तो हम एक एक हटा देते चेक करने के लिए दिए थे सॉरी। तो पहला वाला तो मेरा हो गया, बहुत आसान है, मुझे लगता है आपको भी आसान लगा। तो नेक्स्ट सेकंड वाला हम करते हैं, यहाँ पे जस्ट क्या करना है, जस्ट ये जो इंडस्ट्री वन हो गया, नेक्स्ट वाला भी सेम है, ठीक है, ये जो नेक्स्ट वाला हम नहीं करते, नेक्स्ट वाला देखिए नेक्स्ट वाला भी सेम है, इंडस्ट्री वन इंडस्ट्री टू सेम है, जस्ट हम इसके बात करते हैं एक्सपीरियंस, ठीक है, व्हाट योर एक्सपीरियंस, इसको हम करते हैं कैसे करेंगे, तो दिखाते एक्सपीरियंस वाला। तो जस्ट हम क्या करेंगे फॉर्म कंट्रोल को जस्ट कॉपी करेंगे एंड ड्रॉप डाउन में जाएंगे, ये फॉर्म कंट्रोल में यहाँ पे दे दिया, एंड ये किसके लिए है, कौन सा वाला, ये है एक्सपीरियंस, ये किसके लिए है, एक्सपीरियंस है, पहला वाला किसके लिए था, क्वालिफिकेशन नहीं, वो भी एक्सपीरियंस के था, ये हमें थोड़ा सा रिलेवेंट एक्सपीरियंस, ठीक है, ये रिलेवेंट देंगे। देखिए ये जो नेम दे रहा है, नेम हमेशा अलग होना चाहिए, नेम हमेशा अलग होना चाहिए, एक हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड फील्ड अभी यहाँ पे क्या करना है, उसको हमको एक एक बाई जो जितना भी मेरा ऑप्शन है वहां पे एक एक करके देना पड़ेगा, पहला वाला देना पड़ेगा सिलेक्ट वन, सिलेक्ट वन को पहला देना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट, देन वन टू टू इयर्स एंटर, देन फाइव टू नाइन ईयर एंटर के बाद टेन टेन ईयर्स प्लस डन, ओके। तो ये मेरा हो गया, अभी क्या करेंगे इसको हम कॉपी करेंगे एंड ये सिलेक्ट से यहां तक हम रिप्लेस कर देंगे, तो ये भी मेरा हो गया।
सेव कर रहा हूँ, एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ। देखिए एक्सपीरियंस कहाँ गया, ये वाला नहीं, ये वाला सिलेक्ट वन। तो ये मेरा ये भी हो गया, ठीक है। तो देन सेकेंड हम ये इंडस्ट्री वाला एक को हटा देते, क्योंकि इंडस्ट्री दो टो है, एक को हटा दिए, क्योंकि वो एक फॉर्म हम कितना बार ये करेंगे, एक फॉर्म को हम कितना बार डायनेमिक करेंगे। इंडस्ट्री एक को हटा दिया हमने, तो एक हो गया मेरा इंडस्ट्री, एक हो गया दो टो। एंड अभी व्हाट एक्सपीरियंस, व्हाट इज योर वर्क एक्सपीरियंस, कहाँ का एक्सपीरियंस है, तो उसको करते हैं। तो जस्ट जस्ट कुछ नहीं, वर्क को हम आईडी कर लेंगे, वर्क को आईडी कर लेंगे। एंड ड्रॉप डाउन पे फॉर्म कंट्रोल, यहाँ पे वर्क, एंड इसको रिक्वायर्ड फील्ड सेम टू सेम। एंड जस्ट ये जो मेरा, देखिए यहाँ पे जो जितना भी हम ऑप्शन है, हम ये ऑप्शन को पूरा एकदम सिलेक्ट कर लेंगे। अभी शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, पहला जो सिखाए थे उसको हम सीखने के लिए सीखे थे, अभी ये शॉर्टकट। तो शॉर्टकट एक बार में हम कैसे, आप कैसे करेंगे, ऐसे कर लिया। अभी ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन को आप डिलीट कर दो जस्ट। सब ऑप्शन को डिलीट कर दो, ठीक है। देखिए हो गया। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए ये जो सब ऑप्शन डिलीट हो गया, अभी यहाँ पे ये अभी तक नहीं आया, क्यों, कोई प्रॉब्लम हुआ है। ये जो एक थोड़ा सा गलती हो गया, इसको आपको रिमूव करना है। अभी ठीक है, अभी देखिए ठीक है। अभी यहां से कॉपी करो एंड यहाँ पे पेस्ट। तो ये मेरा वर्क एक्सपीरियंस भी हो गया। अभी ये क्या है, नेक्स्ट वाला है मेरा लीव, हम कहाँ लीव करते रहते थे, व्हाट स्टेट डू यू लीव इन, कहाँ पे लीव करते, ठीक है। तो हम लीव को आईडी बना लेंगे, सेम वे जस्ट इसको हम पब्लिक एक बार सेव कर लेते हैं, ठीक है। सेव कर लिया। नेक्स्ट इसको लीव आईडी रिक्वायर्ड फील्ड, अभी इसको जितना भी मेरा पास ये ऑप्शन सबको हम कॉपी कर लेंगे एक साथ, कॉपी। एंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट। एंड जी ऑप्शन जस्ट डिलीट कर देंगे ऑप्शन को, देखिए ऐसे करके सब जितना भी ऑप्शन है मेरे पास सब डिलीट कर देंगे, बट एक तो एंटर मारना पड़ेगा। एंटर नहीं मारेंगे तो वहां पे शो नहीं करेगा। ऐसे करके थोड़ा सा डिलीट कर देंगे, देखिए ओके। अभी यहां पे चलाया, इसको कॉपी करेंगे एंड ये सिलेक्ट से लेके इन सिलेक्ट पे हम पेस्ट कर देंगे। तो फिर से हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। तो ये मेरा फॉर्म तो हो गया, और लास्ट बाकी है कहाँ पे, ये देखिए सेम टू सेम है, जस्ट हम इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको नहीं चाहिए, सेम टू सेम है। एक बार एक चीज को बार बार डायनेमिक करने से क्या फायदा, हमको आपको तो दिखा रहा है, दिखाने के लिए कह रहा हूँ ना, तो हम आपको एक बार समझ में आ गया तो ठीक है। तो उसके बाद है यहाँ पे एंटर योर डिटेल्स बिलो एंड डाउनलोड आरपीएल फॉर्म में, सो एंटर द डिटेल्स बिलो तक, ठीक है। तो बाकी हम रिमूव कर देंगे जस्ट, एक बार हम सेव कर लेते, रिफ्रेश करते एक बार देखते सब ठीक ठाक कहने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मेरा लास्ट तक है, एंटर योर डिटेल्स बिलो, यहाँ पे मेरा फोन नंबर एंड टेक्स्ट है।
तो ये तीनों, एक दो तीन चार, ये चार को अभी मुझे डायनेमिक करना है, ठीक है? तो चलिए पहला वाला हम देखते हैं। मेरा पहला वाला है टेक्स्ट, टेक्स्ट है फर्स्ट नेम। तो हम क्या करेंगे, फॉर्म कॉल तो ऑलरेडी सिलेक्टेड हुआ है, हो जाएगा वहां पे, एंड फर्स्ट नेम को हम कॉपी कर लेंगे, जो प्लेस होल्डर है उसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है? तो हम जाएंगे टेक्स्ट फील्ड में, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म कंट्रोल पहले यूज किए है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन नेम देंगे, यहाँ पे नेम किसके लिए, नेम दे दिए, एंड प्लेस होल्डर नेम, एंड यूज दिस टेक्स्ट एज ए प्लेस होल्डर, ठीक है? सिलेक्ट कर दिया एंड रिक्वायर्ड फील्ड, रिक्वायर्ड कर दिया, कॉपी, एंड इनपुट फील्ड को हम रिप्लेस कर देंगे। देखिए ये मेरा हो गया। देन आता है ईमेल, ईमेल को हम जस्ट क्या करेंगे, प्लेस होल्डर वाला हम कॉपी कर लेंगे एंड ईमेल टैग पे हम क्लिक करेंगे, जस्ट फॉर्म कंट्रोल देन ईमेल आईडी है, ईमेल रिक्वायर्ड फील्ड, एंड यहाँ पे दे देंगे ईमेल, एंड यूज दिस टेक्स्ट एज ए प्लेस होल्डर, ओके? देन कॉपी, ये भी कॉपी करके ईमेल पे दे देंगे, सेम वे, एंड सेम वे आपको फॉर्म फोन नंबर भी करना है। जस्ट हम क्या करेंगे, फोन नंबर का प्लेस होल्डर कॉपी कर लेंगे, एंड फोन नंबर के लिए होता है टेल, न टेलीफोन, टेल, ठीक है? टेल पे ऐसे जाएंगे, टेल रहने देते हैं, हम चेंज नहीं करेंगे, प्लेस होल्डर चेंज रिक्वायर्ड, जस्ट इजी है, एंड कॉपी, एंड ये फोन नंबर पे पेस्ट। देने टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया पे उसका नियो टेक्स्ट हम कॉपी कर लेंगे, एंड टेक्स्ट एरिया सेम, एकदम सेम है, डिफॉल्ट टेक्स्ट, टेक्स्ट एरिया रख सकते हैं या मैसेज भी जो चाहे दे सकते हैं, टेक्स्ट एरिया रहते हैं, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट। देन लास्ट है मेरा सबमिट बटन, सबमिट बटन का जो क्लास है इसको कॉपी कर लिए, कॉपी, देन यहाँ पे देखिए सबमिट टाइप है, सबमिट टाइप के अंदर एक क्लास एट्रीब्यूट अभी नहीं चलेगा, यहाँ पे क्लास एक दिया हुआ है, एंड यहाँ पे सबमिट सेंड मैसेज, देन कॉपी एंड पेस्ट, हो गया मेरा फॉर्म। एंड हम क्या करते हैं अभी, सेव, अभी एक बार चेक कर लेंगे मेरा फॉर्म सही है कि नहीं, ठीक है? देखिए मेरा फॉर्म जैसा था डिजाइन ठीक ठाक है, कोई घटा नहीं है, आफ्टर डेवलपमेंट थोड़ा बहुत घट जाता है, वो आपको सीएसएस से फिक्स करना पड़ता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे नहीं घटा। तो अभी क्या करना है, मेन चीज अभी है मेल, मेल बॉक्स मेरे पास कैसा आएगा उसको आपको फिक्स करना है। देखिए मेरे पास जो मेल बॉक्स आया है उसके लिए अलग से फील्ड फिक्स करना पड़ता है। देखिए मेरे पास कैसा है एक बार देखाता हूं, सॉरी, देखिए यहाँ पे एकदम एक साजा के, मतलब जो एक एक क्वेश्चन के बाद एक एक चीज आया है, ये कैसे आता है, ठीक है? इसके लिए आपको सजाना पड़ेगा, ठीक है? तो हम जस्ट इसको जितना भी हम क्वेश्चन है हम कॉपी कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, व्हाट इंडस्ट्री एक्सपीरियंसिंग, तो हम क्या करेंगे, ये जो बॉडी है मैसेज बॉडी यही आपके पास जाएगा, ठीक है? तो हम इसको डिलीट कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन है मेरा ये, तो हंड्रेड व्हाट इंडस्ट्री इज योर एक्सपीरियंसिंग, तो यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस को हम कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ऐसे करके आपको देना है एक के बाद एक, तो यहाँ पे एक एरर आएगा, इसको आप फिल करना है, वहां पे ईमेल आईडी है आपको, ये ईमेल को कॉपी करके यहाँ पे देना है, तो ये फिल हो जाएगा, ठीक है? एंड यहाँ पे ईमेल आईडी देना है आपका, जहां पे जाएगा वो ईमेल आईडी, हम मान लीजिए मेरा ईमेल आईडी दे देता हूँ, अभी मेरा ईमेल आईडी जाएगा यहाँ पे, नाम फॉर्म कहाँ से आ रहा है उसका नाम दे देंगे यहाँ पे,
यहाँ पे नाम दे देंगे एंड यहाँ पे भी साइट टाइटल और नाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड सब्जेक्ट में भी आप दे सकते हैं कुछ, कौन सा वाला पहला, हम जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पहला वाला, देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट आ रहा है तो हम पहला वाला दिया हुआ है, तो आप पहला वाला दे सकते हैं या सेकेंड वाला, कुछ भी दे सकते हो, आपके पास जो आप यहाँ पे देंगे सब्जेक्ट में तो वहां पे आपके पास शो करेगा, पहला नाम शो करेगा देन सब्जेक्ट शो करेगा, और जो चाहिए आप दे सकते हो वही शो करेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है सब्जेक्ट कोर्स का मेन कैटेगरी का नाम देना चाहिए, तो मुझे लगा तो हम दे दिए, पहला वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे दिया, तो आप दे सकते, कोई मैटर नहीं है। तो ये मेरा फील्ड है, हो गया। अभी ऐसे करके एक के बाद अब एक सजाइए, हाउ मेनी वर्क एक्सपीरियंस यू हैव, जस्ट इसको यहाँ पे एंटर कीजिए, रिलेवेंट यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। देन उसके बाद जो क्वेश्चन है, वर्क इज योर वर्क एक्सपीरियंस, उसके बाद मेरा वर्क, ये क्वेश्चन है एंड इसका ये फील्ड का ये ले लेगा यहाँ से, ये जो फील्ड फील्ड ब्रैकेट के अंदर जो हम कोड दे रहे हैं उसके लिए वो ले लेगा, उसका जो आंसर है वो ले लेगा, वहां से फेस कर लेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर स्टेट, डू यू लिव इन, लिव ओके, देन एंटर बिलो डिटेल्स, ये भी दे देंगे, नेम पहला है नेम, नेम पहला नेम देंगे, नेम है मेरा कहाँ, सॉरी ये नेम, देन ईमेल, नेम ईमेल, ये ईमेल कहाँ, ईमेल ईमेल, देन फोन नंबर, फोन नंबर मतलब टेल एंड टेक्स्ट एरिया और मैसेज, लास्ट वाला है टेक्स्ट, टेक्स्ट ओके। तो अभी सेव, तो हो गया मेरा कॉन्फ़िगरेशन, मेल कॉन्फ़िगरेशन मेरा कंप्लीट हो गया। अभी जो मेल पे अगर कोई मेल, अभी मेरा लोकल पे चल रहा है इसलिए सेंड करेंगे तो कुछ नहीं होगा, जब अभी इसको हम अब सर्वर पे अपलोड करेंगे तब अगर सेंड करेंगे तो ऐसा सेम टू सेम हुए, ये जो मेल दिख रहा है ये सेम टू सेम हुए आपके पास, आपका मेल आईडी पे और जहां आप चाहते हो वहां पे ऐसा जाएगा। तो अभी वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, अभी यहाँ पे खत्म करता हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक सीरीज स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी। प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड पास में जो बेल बटन है उसे हिट कर दीजिए, तो जब भी मैं वीडियो दूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो ये सब कुछ तो आप जानते हैं, तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच,